खबर मध्य प्रदेश के सीधी से है। कहा थे ना कि एमपी अजब है, बहुत गजब है, तो भाई में हाल सीधी के है। सीधी अजब है नहीं, बहुत गजब है। कहे कि एक रोजगार सहायक के द्वारा अपनी जीवित पत्नी का मृत घोषित कर दिए और काट दिए समग्र आईडी सेना। अपना ऑब्जेक्ट बताया दी, यह पूरे मामला में अपर कलेक्टर के द्वारा सेवा समाप्त करके जो है एफआईआर दर्ज करे के आदेश दिए गए हैं, लेकिन आज तक हुआ एफआईआर के आदेश के अनुपालन नहीं हुआ है। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना ऑब्जेक्ट बताया दी कि यह समय सीधी जिला में पंचायत विभाग में भ्रष्टाचार के अजीबो गरीब मामला सामने आ रहे हैं, जिनका देख के सुन के लोग हैरान हो जाते। ग्राम पंचायतन में मनरेगा के कार्य हेतु पदस्थ रोजगार सहायक भ्रष्टाचार और कूटरचना का लेके सचिवन का पीछे छोड़ रहे हैं। एक ऐसा मामला कुसमी जनपद के ग्राम पंचायत शंकरपुर के प्रकाश में आवा है, जहां पदस्थ रोजगार सहायक वह जो है तत्कालीन प्रभारी सचिव श्रीकांत शुक्ला के द्वारा अपने पद के दुरुपयोग करत की अपने पत्नी का मृत घोषित करके समग्र आईडी शंकरपुर से नाम विलोपित कर दिएगा। ओके बाद पत्नी का आंगनबाड़ी के नौकरी के लाभ ले खातिर ग्राम गाजर मा उनका नाम जोड़ दिएगा। पूरे मामला का लेके अपर कलेक्टर शिकायत भय महत्वपूर्ण फैसला देत की अपर कलेक्टर के द्वारा प्रकरण क्रमांक 0025A/15/2020-21 के माध्यम से आदेशित किएगा कि रोजगार सहायक श्रीकांत शुक्ल और उनकर पत्नी वंदना शुक्ला दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। साथ ही मां आदेश मां स्पष्ट रूप से उल्लेख किएगा कि श्रीकांत शुक्ला का रोजगार सहायक पद और अन्य शासकीय पद से सदा सर्वदा खितिर रोक लगावा जाए। यह आदेश जो है आवश्यक और न्यायोचित है, परंतु अपर कलेक्टर के आदेश आज दिनांक तक परिपालन नहीं भा, जहां यह बात चिंतनीय समझ मावती। अपर अपचक बताया दी कि शंकरपुर रोजगार सहायक श्रीकांत शुक्ल के सेवा समाप्त 2019 में तत्कालीन जनपद सीओ श्री डावर के द्वारा समाप्त किन गया। जीआरएस का हितग्राही पेंशन खाता में हेर फेर कार्यालय का गुमराह कर मनरेगा के कार्य में लापरवाही दोषी पावा गया, जोने पर दिनांक 18/12/2019 का जनपद कार्यालय मां जीआरएस के श्रीकांत का टर्मिनेट कर दिन रहा, लेकिन जिला पंचायत के लचर रवैया साठगांठ के बाद आरोपी पुनः शंकरपुर में पदस्थ हुई मांग सफल हुई गया। अपर कलेक्टर कार्यालय के आदेश अब तक बेअसर रहा। उक्त रोजगार सहायक विगत 3 वर्षन से कार्यन की जांच कराई जाए तो एक बड़े भ्रष्टाचार खुलासा हो सकत है और निर्माण से लेके भुगतान तक ऐसे जुड़े गैंग के लोगन की करामात सामने आ सकत थी। अब देखा दिलचस्प हुई पूरे मामला कलई के जिला पंचायत अपन छवि बाहर आवे की कोनो ठोस कार्यवाही करी या जिला का एक बेहतर संदेश दे या भ्रष्टाचारी के यह में हौसला बुलंद कर रहे थे। यह रही सीधी के अजब गजब खबर, जहां नियम कानूनन का हमेशा ठेगा दिखावा जाता है। भ्रष्टाचार के तो इवारत लिखे मत, बिल्कुल सीधी का महारत हासिल ही। कहे कि जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। सबसे बड़ी बात कि यह व्यवस्था वो लोगन का सपोर्ट कर रही थी, वो लोगन का समर्थन कर रही थी जो यह भ्रष्टाचार के बिल्कुल कहा जाए बिल्कुल कुख्यात माफिया है और उन्हीं के कहन कहों पोषक बन जाते सरकारी सिस्टम। तब है ना कबो गांव का शहर के जैसा बनावे की कल्पना करे वाले पंचायती राज ग्रामीण व्यवस्था का आजो सोची लागत है कि धीमी लगी है। कहे कि आजो गांव मां बुनियादी जरूरतन के बेहद अभाव है, लेकिन फंड करोड़न में आवत है, विकास के दूर दूर तक कौनो जो है रत पता नहीं रहे। तापन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।